हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल फू व्लॉग्स। आई थिंक मोस्ट ऑफ यू पीपल नो, लेकिन अगर नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ कि अरुणाचल प्रदेश में बहुत सारे ट्राइब्स हैं, उनमें से एक ट्राइब है आदि, जिससे मैं बिलोंग करती हूँ। ऐसा नहीं है कि जो मेरा घर है वो पूरे अरुणाचल में ऐसा घर ही आपको मिलेगा, क्योंकि हर जगह में घर का टाइप डिफरेंट हो जाता है। तो मेरे आदि ट्राइब में घर कैसा होता है वो आज को मैं आपको दिखाऊंगी, इनसाइड आउटसाइड टूर सब कुछ कराऊंगी कैसा होता है, तो आप लोग भी बने रहिएगा वीडियो पे। ये है मेरा घर, ये हमारे घर का बाहर एरिया है। तो ये होता है टिपिकल आदि हाउस। और जो रूफ देख रहे हैं आप, जो छत है वो बहुत नीचे की तरफ झुका हुआ है, क्योंकि यहाँ पे बहुत बारिश होता है, तो इसीलिए रूफ को हम लोग नीचे की तरफ झुकाते हैं ताकि बारिश छत को ख़राब ना कर दे, क्योंकि पूरा का पूरा छत पत्ते से बना हुआ है, आप देख सकते हैं। ये घर का बाहर एरिया, बाकी सब घर भी ऐसा टाइप का है देखिए। तो वो है हमारे पड़ोसी। घर के बाहर है मैंगो का ट्री, इसीलिए बहुत छाया है इधर, और यहीं पे हम लोग बैठते हैं जब भी बहुत गर्मी होता है। तो चलिए आपको अंदर ले चलते हैं। आज बहुत अच्छा धूप निकला है, तो जितना धान है वो सूख रहा है इधर, क्योंकि सूखने के बाद उसको कूटने में ज़्यादा आसानी होती है। और ये है हमारा गेट जो कि ऑलरेडी खुला हुआ है। ये है घर का नीचे वाला हिस्सा, यहाँ पे जितना भी आप लोग पालते हैं लाइफ स्टॉक सब इधर ही रखा जाता है। और लकड़ी, या दिखाती हूँ, यहाँ पे लकड़ी सब रखते हैं। देखो ये इतना मेहनत से दूर जंगल से लेकर जमा करती है मेरी चाची, ये देखिए, क्योंकि यहाँ पे मोस्टली हम लोग आग ही जलाते हैं। गैस है लेकिन उसका यूज़ इतना होता नहीं है। ये देखिए ये सब लकड़ी मसाला। और ऊपर में है मेरी बुआ। इस एरिया को हम लोग बोलते हैं गुजोक। तो अगर रेन है तो आप यहाँ पे बैठकर चिल कर सकते हैं, और अगर मौसम अच्छा है या तो विंटर का धूप सेकना है तो आप वहाँ पे चिल कर सकते हैं। ठीक, ये लकड़ी लाने के लिए है, ये देखिए ये चाची का है लकड़ी लाने के लिए। और यहाँ पे हम लोग लाते हैं सब्जी या तो धान भूसी वगैरह। यहाँ नीचे पहनने वाला जो लुंगी टाइप का होता है गले, वैसा बना रहा है, और इधर भी गले बना रहे हैं। और ये दादाजी का बैग है जो हमारा ट्राइबल स्टाइल बैग, इसको बोलते हैं ताली। ये देखिए इसके अंदर अगर आप जंगल जाएगा, इवन मार्केट जाने से भी दादा तो इसको ले जाते हैं, ये वाला। और ये दादा का फेवरेट टोपी, इसको हमारी भाषा में बोला जाता है पतकिंग। और ये देखो लकड़ी से कार्व किया गया है, इतना सुंदर सा। धान सूख रहा है, धान का प्रोसेस उसको कैसे सुखाते हैं मैं आपको दिखाती हूँ। इसको क्या करना है, जब ये सरफेस गर्म हो जाएगा तो पैर से फिर ऐसे उल्टा करना है। यहाँ पे चाची ब्रेकफास्ट बना रही है गर्मी में। घर पे घुसते ही आपको सीधा किचन मिलेगा, और जितना बेडरूम्स वगैरह सब अंदर में है। तो यहाँ पे गांव पे तो लोग क्या होते हैं गाइस, आने से सब इधर बैठ जाते हैं आग के आसपास घेरा लगा के। ये देखिए यहाँ पे ये फ्लोर जैसा बनाया हुआ है, एक दो तीन और चार। जो भी मीट वगैरह अगर आपको स्मोक करना है तो यहाँ पे रखते हैं। ये है परप, और यहाँ पे जैसे बारिश होता है जो टोकरी वगैरह सुखाने के लिए हम लोग यहाँ पे रख देते हैं। तो ये हो गया किचन एरिया। उसके बाद जाते हैं कि हाथ कहाँ धुलाते हैं, पानी कहाँ से लेते हैं। तो ये है वो एरिया, देखिए हमें चाची ने इतने सुंदर से रखा है सब बर्तन। और ये साइड में है पानी, पूरा पानी स्टॉक रेडी है। अब जब भी कोई आधी घर में आओ तो चलो खाना खाना है, हाथ धुलाना है बोलने से आपको यहाँ पे आके हाथ धुलाना है। और ये साइड में आजकल सबके यहाँ गैस तो हो ही गया है। और ये है हमारा घर का छोटा सा स्टोर, ये है स्टोर रूम। और यहाँ पे है चावल या तो वाइन वगैरह स्टोर करते हैं, देखिए ये देखिए चावल। ये हमारा स्टिकी राइस, इसको बोलते हैं बुलन। ये है ढक्कन, ये देखिए ये है बुलन, यहाँ में रखते हैं मीट। ये देखिए ऊपर में ये एक प्लांट है जो झाड़ी जैसा होता है, तो इसको काट के हम लोग यहाँ पे ड्राई कर रहे हैं, तो बाद में इसको मिट्टी में झाड़ू मारने में बहुत आसानी होती है और बहुत साफ कर देते हैं। ये देखिए ये छत है, छत ऐसा दिखते हैं। और ये है हमारा मैट जो हम लोग वाइन बनाने के समय बिछाते हैं, ब्लैक वाइन।
ये है घर का बैक साइड। ये पूरा एक होल बेम्बू है, इतना मोटा है। देखिए ये नॉर्मल बेम्बू का साइज है, इसका साइज देखिए। वॉल के उस साइड में बेडरूम है, तो बेडरूम को मैं नहीं दिखाऊंगी क्योंकि वो चाचा चाची का है और दादा का है। देखिए अभी घर के बाहर सब लोग बैठकर एंजॉय कर रहे हैं, दादी दादा जो पूरी बनाया उसको खा रहे हैं। हैंडसम और खड़ूस दादाजी। ये मेरा प्यारी दादी माँ, क्या खा रहे हैं आप? परोतांग। परोतांग नहीं है, ये पूरी है। ओ, पूरी पूरी। वैसे हम लोग के यहाँ पूरी और रोटी इतना पसंद किया जाता है कि हम लोग बिना सब्जी का ही खाते हैं इसको। बिना सब्जी भूख लग रहा है। मैगी खाया ना आप? ये कम पेट नहीं भरा है। अरे वो लोग मियोंगा की रहे तो। थैंक यू सो मच गाइस आज का वीडियो देखने के लिए। अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज शेयर करिए, कमेंट करिए, बिकॉज आई लव 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 रीडिंग योर कमेंट्स। ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मेरा आईडी है पू व्लॉग्स। सो बाय, सी यू अगेन इन माय नेक्स्ट वीडियो, बाय। इनको हम बहुत गुस्सा है ना, क्यों आने से ना अब्बा इतना जल्दी बजे? लॉकडाउन है, लॉकडाउन होने से भी 2 बजे अब्बा 7 8 9 10 11 12 1 अब्बा इतना घंटा।